जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरडी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक जेई पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2023 में आया था। द क्वेश्चन इज एज शोन इन द फिगर, ए कॉन्फ्यूगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू नॉट इक्वल टू प्लस टू म्यू कूलम इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम। Assume that there is no friction between charge and plane. For the system of two point charges to be in equilibrium, the height h equal to x into 10 to the power minus 3 meter, the value of x is. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ क्यू नॉट चार्ज है, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। अगर ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो ये लगेगा mg cos थीटा। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। एंड ये q नॉट चार्ज है एंड यहां भी q नॉट चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सिव होगा। एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू नॉट स्क्वायर, ये डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं पहले, डी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा अगर ये रेस्ट में रहने के लिए क्या होना चाहिए, ये एम जी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड जितना होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना होना चाहिए। तो एफ ही इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? के Q नॉट स्क्वायर बाय d स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो d हम मान लिए थे तो d को हमको स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? p बाई एच। तो h को हम क्या लेते हैं? d। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? p बाई साइन थीटा। तो एच के जगह डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, एच बाई साइन थीटा, दैट इज इट बिकम्स डी इक्वल टू एच कोसेक थीटा। वन बाई साइन थीटा कितना हो जाता है? कोसेक थीटा। तो कितना हो गया था? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। के क्यू नॉट स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना निकला था? एच कोसेक थीटा। तो डाल देंगे तो एच कोसेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो कितना हो गया? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? एम जी साइन थीटा। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एम जी साइन थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू नॉट स्क्वायर एम जी साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? वन बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एम जी वन बाई साइन थीटा।
तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट स्क्वायर एम जी, वन बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू के का वैल्यू डाल देते हैं 9 × 10⁻¹। तो क्यू नॉट का वैल्यू डाल देंगे 2 μC, तो डाल देंगे इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻¹ का स्क्वायर। मास दिया था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो 20/1000, जी का वैल्यू 10, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री। तो ये कितना बन गया अभी, एच स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁻¹ 2 × 10⁻¹² बाय ये 20/1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.02 × 10। कोसेक 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2। तो एच इक्वल टू कितना होगा 9√3। ये 10⁻¹ है, तो हम इसको मान लेंगे 10⁻¹, इसका रूट ओवर 10⁻⁴ हो जाएगा, 4 point something आएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इस हमको मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। तो 2 × 10⁻¹ का स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया 2 × 10⁻¹, 0.02 × 10 × 2 का रूट ओवर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 0.2। तो यहाँ से आ गया 0.3 meter, तो इट बिकम्स 300 × 10⁻³ meter। तो हमको x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू कितना हो गया इधर 300, दिस इज योर आंसर। तो x का वैल्यू कितना है 300। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।